सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सुबह हो चुकी है, लोग अपने अपने काम पे निकलने चुके हैं और हम भी निकल चुके हैं एक बेहतरीन सी बिरयानी टेस्ट करने के लिए। जी हाँ, मैं आ गया हूँ इस टाइम पे लोनी गाज़ियाबाद में, सलाम बिरयानी जो है वो टेस्ट करने के लिए। गर्मा गर्म और बहुत ही लजीज बताई जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। सूफियानी बिरयानी है कबाबों के साथ, बहुत ही गजब इसका टेस्ट होता है ऐसा सुनने में आया है। तो जस्ट हम चेक करेंगे अभी। तो जस्ट मैं लोनी पहुंच चुका हूं, सुबह का टाइम है, हल्की फुल्की ठंड स्टार्ट है, तो स्वाद लेते हैं सलाम बिरयानी का पहुंच के। चलिए आपको भी दिखाते हैं सलाम बिरयानी। सलाम बिरयानी पे इस टाइम आ चुके हैं और आप देख रहे हो पीछे की भीड़ का नज़ारा ना देखते ही बनता है। एक देग यहाँ पर इस टाइम पे बिल्कुल सुबह से फिनिश हो चुकी है, सेकंड देग आ चुकी है और सेकंड देग जब हमने भी वीडियो बनाई है उसकी सेकंड देग आई हुई है, बनती किसी और जगह पे, यहाँ पर आगे सेल होती है। पूरी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और यहाँ से जब लोग लेते हैं अंदर जो है वो बैठने की जगह वहाँ पर खाना। और वक्त इस टाइम मुख्तसर सा हो रहा है, करीब 10:30-11 बज रहे हैं। एक बड़े भगोना जो ना पूरा बिक चुका है, सेकंड भगोना बारी आ गई है, ये जस्ट अभी निकल रहा है यहाँ से। बस ट्राई करेंगे यहाँ की बिरयानी और लोगों को बात करें क्यों इतनी पसंद है यहाँ की बिरयानी, कबाब का क्या एक्स्ट्रा जायका इसमें महसूस होगा लोगों को। जस्ट हम पहले देखेंगे कि कैसे बन रही है बिरयानी, उसके बाद कस्टमर से बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ का रिव्यू लेंगे कस्टमर से, फिर जायका टेस्ट करके बताएंगे आपको कि क्यों है सलाम बिरयानी इतनी। तो देखिए ये है सलाम बिरयानी की भीड़ का नज़ारा। तो हम बाहर से सही से नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, जस्ट अंदर पहुंचते हैं। देखिए कोई चीज़ ना बहुत वक्त के साथ लोगों को पसंद आती है ना, तो इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। अब ये भीड़ जो है ना ये शाम तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। एक भगोना जा चुका है, दूसरा भगोना अभी इस टाइम चल रहा है और आगे दो भगोने और तैयार हो रहे हैं बिरयानी के। तो जस्ट आप देख सकते हैं कि लोगों कितना पसंद है ये सलाम की बिरयानी। जहाँ से ये बिरयानी लोगों को प्लेट में निकाल के दे रहे हैं, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ खड़े रहें तो आपको सिर्फ यही आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी, भाई आधा किलो दे दीजिए, भाई एक किलो दे दीजिए, भाई दो किलो तैयार कर दीजिए। तो अगर आप सलाम बिरयानी के 100-200 मीटर दूर के दायरे से अगर गुजरते हैं ना, तो इसकी खुशबू बिरयानी की आपको वहाँ तक आपको महसूस होगी और आप अपने आप सलाम बिरयानी की तरफ खींचते चले आएंगे। बिरयानी अधूरी लगती है मुझे कबाबों के बिना, और कबाब हम ढूंढी लेंगे। तो बहुत कमाल की बात है यहाँ कबाब भी तैयार मिलते हैं, तो चलिए कबाबों की तरफ। यहाँ कबाब बनने की शुरुआत हो चुकी है, कबाब के गोश्त को कीमे को जो कि हल्के मसालों के साथ तैयार किया गया है सीकों पे लगाना शुरू कर दिया है। सीख पे लगाने के बाद इसे सेकेंगे, लेकिन सबसे ख़ास बात ये होती है कबाबों की, इसको आप बिरयानी के साथ, आप रोटी के साथ, नान के साथ, चटनी के साथ, सभी चीज़ों के साथ जो है ना आप उसको खा सकते हैं। इसका लजीज और लुत्फानंदोज़ करने वाले जायके से जो है ना अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो अभी ये कच्चे कीमे को पूरा सीख पे कर दिया, सेकना स्टार्ट करेंगे तो कोयले पे रख दिया गया है। अब धीरे धीरे ये अपने ही जूस में तैयार होंगे, इनका खुद का जूस है, उसी में गर्म होकर तैयार होंगे। अब देखिए इन पे सुर्ख रंग आना शुरू हो गया है और जैसे ही ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे इनको सर्व करना शुरू कर दिया जाएगा। अभी स्टार्ट हो चुके हैं तैयार होना, तो लोग आना शुरू हो गए हैं कि भाई कबाब दे दीजिए, कबाब दे दीजिए।
सलाम बिरयानी का अंदरूनी हिस्सा है। ये टोकन काउंटर है, यहाँ से टोकन मिल जाते हैं आपको। ये पूरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग अपना बैठते हैं। जितनी भीड़ बाहर है उससे कहीं ज़्यादा अंदर है, तो ये एरिया बैठने का है। तो बस अब बिरयानी खाने का टाइम है, हम भी अपने एक टोकन लेते हैं बिरयानी के लिए, फिर बिरयानी टेस्ट करते हैं। मिल गया है टोकन, 120 रुपये की आधा किलो है, यानी 240 रुपये की मिलती है। और साथ में बिरयानी लेते हैं फिर। ये मिल गया आपको स्पेशल नल्ला, उसमें लेने वाले कबाब है। ये हम अपना साइड में कर लेते हैं। और ये मिला है हमें नल्ला, नल्ली मिली जो मिली है। ये भी ना भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त नल्ली दी है, जैसे आप क्या ही लजीज है, काफ़ी गर्म हो रही है। तो आज जो है हमारी दावत बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले जो है हम सबसे पहले नॉर्मल ट्राई करेंगे, नॉर्मल चेक करेंगे बिरयानी को, उसके बाद कबाब से और नली के या गोश्त के साथ मिलेंगे। सबसे पहले नॉर्मल कैसा उसका जो है ना टेस्ट आ रहा है, कैसी है, क्योंकि ये सूफियानी बिरयानी है। सूफियानी बिरयानी जो है ना बहुत कम मसाले, नॉर्मल मसालों के साथ में खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले पहला अपना निवाला लेते हैं नॉर्मल, मतलब ऐसे ही बिना गोश्त के साथ, सिर्फ चावल चावल। सॉफ्ट चावल है और उन्हें वो प्याज की खुशबू, जाफरान की खुशबू बहुत ही। अब जो है हम थोड़ा सा ना इसमें जो है ना गोश्त का टुकड़ा लेंगे। ये देखो इतनी गो, मतलब जो है ना लजीज बोटी, और बहुत देखो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रेशे रेशे टूट रहा है इसका, बहुत ही बहुत ज़रा सा मैं मतलब बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा हूँ, और एकदम ऐसे ऐसे रेशे रेशे अलग हो जा रहे हैं इसके। अब गोश्त की बोटी के साथ में एक थोड़ा सा और छोटा सा निवाला हम भरेंगे। ये देखिए ये इस तरीके का अखनी वाले गोश्त के साथ बिरयानी बनी हुई है ये। तो अखनी और इस गोश्त में भी ना मसालों की खुशबू आ रही है, जैसे हम लोग अपना मतलब मेन बिरयानी तो यही होती है, कभी बहुत सारी बिरयानी होती है, अंडा बिरयानी, मसाला बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, लेकिन असल जो बिरयानी है ना वो यही सूफियानी बिरयानी होती है। अब ये टेस्ट करने के बाद कह सकता हूँ मैं, लोग इतना पसंद करते हैं बिरयानी को, दूर दूर से लोग यहाँ पर बिरयानी को टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो इसका जायका उस लायक है कि लोग इसको पसंद करें, लोग इसको खाएं और इतनी भीड़ लगे। और काफ़ी पुरानी, ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल की दुकान है, काफ़ी पुराना ये जायका है। लगभग 2500 साल हो गए लोग यहाँ पर सलाम बिरयानी को चलते हुए। शुरुआत बहुत छोटे से की थी उन्होंने, और आज के 3-3 रेस्टोरेंट हैं, लोनी में भी है, दिल्ली मुस्तफाबाद में, शाइन बाग में भी खुल गया है। तो अभी हम ना नल्ली के जो है ना इसके साथ हम इसको टेस्ट करते हैं एक बार। नल्ली के साथ और भी जायकेदार गरम मसाला। अब थोड़ा सा अभी कबाब भी देख लेते हैं, हमने 3 कबाब लिए हैं। तो ये 3 कबाब देखिए किस तरीके से टूट रहा है कबाब इनके जो है ना, ये देखिए बहुत मुलायम। और अभी एक निवाला हम कबाब के साथ भी लेंगे।
के साथ कबाब है, बिरयानी 240 रुपए किलो, 10 रुपए का एक पीस कबाब है और आधे किलो बिरयानी देखिए आपके सामने कितनी हो जाती है, प्लस नली भी मिली है मुझे तो मेरा तो दिन बन गया। बिरयानी तो वैसे ही मेरी फेवरेट है। अब बिरयानी के बाद मन है कुछ मीठा खाने का, तो हमने ले ली है यहाँ की स्पेशल खीर और ये है वो खीर। अब इसको जो है ट्राई करते हैं। तो ये स्पेशल खीर जो है ना बिरयानी खाने के बाद मीठा हो जाए। अरे वाह, ये खीर कम और देसी रबड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। इसका प्राइस है 40 रुपये, अपने प्राइस पे ये खरीद करती है 40 रुपये।